पता नहीं चित्रा जी, लहंगा उठा दे रिमोट से, वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से। कहाँ से आते हैं? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। आप सवाल पूछते हैं, गलत बात है। 5 लाख वोटों से जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि कार्यक्रम का अंत करते हैं। मैंने बिल्कुल देखा है आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं कार्यक्रम। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं होता चित्रा जी, आपका मन चलो भाई। दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ अनुभक्तों और गोदी एंकरों की हमेशा तरीके से क्लास लगाते हुए दिखती हैं। आप चित्रा त्रिपाठी का ये इंटरव्यू ही देख लीजिए, जिसमें नेहा सिंह राठौड़ ने चित्रा को लाइव ऐसी की तैसी कर दी। वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से, वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, आज तक नहीं चलाता है, नहीं करती है। एक सेकंड, यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। हाँ, तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी। नहीं, शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के, जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देख, फटाफट खोल के दिखाओ। तो शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं, गलत बात है, बात ये कह रही कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती हैं कि भाई भैया आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पे कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आज लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद विधायक बन चुके हैं। हाँ जी, तो नेहा ने लहंगा उठा दे रिमोट से फटाफट खोल के दिखा पर सवाल पूछा तो चित्रा त्रिपाठी कवर फायर देने लगी कि आज तक ये सब नहीं चलाता है। पर ये डिबेट देखकर कोई भी ये समझ सकता है कि नेहा सिंह राठौड़ का दरअसल सवाल क्या था। सवाल तो बड़ा सिंपल था कि ऐसे अश्लील गानों पर ये लोग उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते। इस पर चित्रा त्रिपाठी सवाल पूछने और ना पूछने पर आ गई। मीन्स चित्रा त्रिपाठी सवालों को ट्विस्ट करके लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, पर लोगों ने नेहा सिंह राठौड़ के सवालों को बखूबी समझ लिया, इसीलिए इस पर तालियां पीटते भी दिखे। तो ऐसे ऐसे गोदी एंकर जब तक हमारे देश में रहेंगे इस देश का भला तो नहीं हो सकता। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है, सवाल पूछते हैं, गलत बात है। 5 लाख वोटों से जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि सही पकड़े हैं। नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल, दोनों तरफ की। अगर आप यहां पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। किसी एक का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है, आपने देखा मेरे वीडियो? हां, देखिए, सवाल नहीं पूछती हूं मैं, नहीं नहीं झूठ बोल रही हूं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आपकी बात नहीं है, कार्यक्रम का अंत करते हैं, सिर्फ आपकी बात नहीं है, दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। तो जी, कवर फायर देने के लिए चित्रा त्रिपाठी ये बताने बैठ गई कि अश्लील गाना गाने वाला वो फलाना व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीत कर आया है, वो ढिमकाना व्यक्ति 10 लाख वोटों से जीत कर आया है। पर ये बताकर ये साबित क्या करना चाहती हैं कि वो इतने लाख वोटों से जीता है तो लहंगा रिमोट से उठाने वाला गाने को सही ठहराया जाए। फटाफट खोल के दिखा गाना उसने सही गाया, मतलब कुछ भी। और इसी पर नेहा सिंह राठौड़ ने इसकी ऐसी की तैसी करते हुए कहा कि इतने लाख वोटों से वो जीत कर आया है तो आप लोग भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं। ये सच सुनकर चित्रा त्रिपाठी को बहुत तेज मिर्ची लग गई, जिसकी वजह से आगे देखिए कि कैसे ये लाइव डिबेट छोड़कर भाग गई। मैंने बिल्कुल देखा है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं, आप लोगों के यही सवाल होते हैं कार्यक्रम। नहीं नहीं नहीं, आप कितना पैसा लेकर टहलते हैं, ये कोई बात नहीं होता चित्रा जी, आपका मन इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।